9th class. Yesterday I was teaching you about English subject online. You are requested to pay attention to my words and go through page number 15, 10th paragraph. Margie did so with a sigh. Margie did so with a sigh. Margie ne did means kiya, so means aisa, with a sigh, आह भर करके, एस आई मीन्स होता है आह. मार्जी डिड सो विद एस आई, मार्जी ने ऐसा आह भरते हुए किया. सी वाज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वाज ए लिटिल बॉय. वह पुराने स्कूलों के बारे में सोच रही थी. सी वाज थिंकिंग, थिंक मीन सोचना, आई जोड़ दिया तो थिंकिंग सोच रही थी. सी वाज थिंकिंग, वो सोच रही थी अबाउट द ओल्ड स्कूल्स, उन पुराने विद्यालयों के संबंध में. वह उन पुराने विद्यालयों के संबंध में सोच रही थी. दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वाज ए लिटिल बॉय. जो उसके दादा के दादा जब छोटे लड़के हुआ करते थे, तो उन पुराने स्कूलों के बारे में वो सोच रही थी. ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम. ऑल द किड्स, सभी बच्चे, फ्राम द होल नेबरहुड केम. नेबरहुड मीन्स पड़ोस, आस पड़ोस के जो है समस्त बच्चे. केम आए कैसे, लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड, हंसते हुए एंड शाउटिंग चिल्लाते हुए इन द स्कूल यार्ड. विद्यालय के स्कूल के यार्ड मीन्स अहाते में जो है कक्ष में या विशाल प्रांगण में वे जो है आए. सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम, दिन के अंत में इकट्ठे घर, हाँ स्कूल के कमरे में इकट्ठे बैठते थे. सिटिंग टुगेदर मतलब साथ साथ, इन द स्कूल रूम, और कक्षा कक्ष में साथ साथ बैठते थे. गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, और दिन की समाप्ति पर अर्थात दिन के पश्चात. दे लर्न गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, और दिन के समाप्ति पर अर्थात दिन के अंत में इकट्ठे समवेत दशा में वे जो है घर जाते थे. दे लर्न द सेम थिंग्स, वे एक सी चीज़ें सीखते थे. सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क. सो मीन्स इसलिए, दे कुड हेल्प, वे सहायता कर सकते थे. कैन का पास्ट फॉर्म कुड है बच्चों, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है. सो दे कुड हेल्प वन अनदर, इसलिए वे एक दूसरे की सहायता कर सकते थे. विद द होमवर्क, गृह कार्य में. एंड टॉक अबाउट इट, और इसके संबंध में बातें कर सकते थे. एंड द टीचर्स वेयर पीपल, और अगली बात क्या थी, और एंड द टीचर्स वेयर पीपल, अरे और अध्यापक मानव होते थे. क्या होते थे, मानव होते थे बच्चों. द मैकेनिकल टीचर्स वाज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, और मशीनी अध्यापक अचानक पर्दे पर. द मैकेनिकल टीचर्स, मशीनी अध्यापक,
द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन. पर्दे पर फ्लैशिंग मीन्स प्रकाशित अपने को कर रहा था. एंड वी एट फ्रैक्शंस वन अपॉन टू एंड वन अपॉन फोर. When we add fractions means संचित टुकड़ों को. When means जब. We means हम. Add मने जोड़ते हैं. Fractions one upon two and one upon four. जब हम विभाजित अंकों एक बटा दो और एक बटा चार को जोड़ते हैं. Margie was thinking. मार्जी सोच रही थी अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड एज. मार्जी सोच रही थी बच्चों को पुराने दिनों में कितना अच्छा लगता होगा. सी वाज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड. वह उनके मजे के बारे में सोच रही थी, मनोरंजन के बारे में सोच रही थी. फन मीन्स होता है इंटरटेनमेंट या रिक्रिएशन, आमोद प्रमोद. आइजक एसिमोव. प्रिय बच्चों, आज यह लेसन आपका यहीं पर समाप्त होता है. आपसे गुजारिश है कि ऑनलाइन आप बने रहेंगे तो भविष्य में अतिशीघ्र आपकी सेवा में स्वयं को उपस्थित करेंगे. धन्यवाद.